बॉलीवुड के सुल्तान हम सब के भाईजान सलमान खान ने एक बार फिर एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लंबे वक्त से शाहरुख और सलमान के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा होता दिख रहा है कि हर कोई कहेगा अपने तो अपने होते हैं। जी हाँ, सलमान से जब गोवा में बिग बॉस की लॉन्चिंग के दौरान ये पूछा गया कि शाहरुख और आप कब स्क्रीन शेयर करेंगे, तो सलमान ने बड़े ही मजाक के अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि हम जल्दी ही स्क्रीन शेयर करेंगे। इतना ही नहीं, सलमान ने तो उस राज से भी पर्दा हटा दिया जिसे कोई नहीं जानता था। सलमान ने कहा कि उनसे पहले बिग बॉस के लिए शाहरुख को चुना गया था। The one who was being considered to sign Big Boss was Shahrukh Khan. I didn't know about this. Did you guys know about this? No. No. So Shahrukh was the original choice of Big Boss, but he was shooting and he had some that shoulder ka jo injury tha uska pehle, and he was shooting somewhere in Prague and he couldn't make it down and so he couldn't do the show. And that's how I got into Big Boss. And this is something that I learned some time ago and didn't get a chance to thank, you know, Colors and thank Shahrukh for, you know, giving me Big Boss. Abhi to bahut jaldi dekh loge ek saath mein aur phir wapas se thodi der mein wapas se film ke bare mein agar Salman bataye film mein bhi dekh hi loge agar kuch acha script aaya hamare paas to bhi definitely work. Abhi Tube Light mein he was, you know, really generous and he did a guest appearance in Tube Light for us. देखोगे ना बिजी रहूं मैं मुझे। बस इससे पहले शाहरुख ने भी इस बात का खुलासा किया था कि जब वो मुंबई आए थे तो सलीम खान यानी सलमान खान के पापा ने उनका उतना ही ख्याल रखा था जितना कि वो सलमान खान का रखते हैं। वेल दोस्तों, ये हिंट नहीं तो और क्या है कि दोनों के बीच चल रही वो लंबी फाइट अब खत्म होती दिख रही है। हम तो यही चाहते हैं कि आप जल्दी से एक साथ स्क्रीन शेयर करें। होने के लिए तो ये भी हो सकता है कि बिग बॉस 12 को और ज्यादा सुपरहिट करने के लिए शाहरुख कहीं सलमान का साथ तो नहीं दे रहे हैं। वेल, हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग हमेशा यूं ही अपने फैंस के लिए सोचते रहें और आपकी लंबे समय से चल रही ये फाइट जल्द खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रीति भारद्वाज।